हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले नंबर की एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एप्लीकेशन छुट्टी की है कि आपको छुट्टी लेनी है तो किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर की एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पर मुख्य हेडिंग डाल दी है, यानी कि मेन हेडिंग मैंने यहाँ पर डाल दी है, एप्लीकेशन टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 डेज। आपको 5 दिन की छुट्टी देने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज मथुरा, इतना आपको लिखना है। अपना अपने स्कूल का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि एप्लीकेशन टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 डेज, ये सब्जेक्ट है मेरा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन आपको लिखकर बताऊंगा, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, I beg to say that my mother is ill and my father has gone on a business tour. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ बीमार हैं और मेरे पिता बिजनेस टूर पर गए हैं, ठीक है। I have to look after my mother day and night. और मुझे दिन रात अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती है। As there is none else to look after her, so unable to attend the college, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ रहूँगा या कॉलेज नहीं आऊँगा, ठीक है। Kindly grant me leave of absence from the college for 5 days, 28 जनवरी 2024 to 1 फरवरी 2024। कृपया मुझे 28/1/2024 से 1/2/2024 तक 5 दिन के लिए कॉलेज की छुट्टी प्रदान करें। इसके बाद आप लिख रहे हैं थैंकिंग यू, आपका बहुत धन्यवाद, योर एविडेंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर अपना नाम डाल लें, यहाँ डेट डाल के आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पेपर के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम आपके लिए और नई नई वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।